नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी के स्टेटस पर करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करेगी या फिर आशीष मिश्रा सरेंडर कर जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि वो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर सके। इस बात की पुष्टि खुद आईजी रेंज ने की है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह घटना के बाद से लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं और इस पूरे मामले की विवेचना के लिए या कहा जाए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना में 302 यानी हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा की तलाश भी लखीमपुर पुलिस कर रही है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तार करने के लिए आईजी रेंज स्तर की सर्विलांस टीम, तमाम जो मुखबिरों को सक्रिय किया गया है, तमाम टीमों को लगाकर आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है। आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस को ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि आशीष मिश्रा घटना के बाद से लगातार सामने आकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे कि घटना के वक्त वो तो थे ही नहीं, वो तो कार्यक्रम स्थल पर दंगल करवा रहे थे जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आना था। अब जब पुलिस ने कह दिया है कि आशीष मिश्रा की तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, तो ऐसे में आशीष मिश्रा अब क्या करेंगे? खबर मिल रही है कि आशीष मिश्रा सरेंडर करने की फिराक में है। वकीलों का एक ग्रुप आशीष मिश्रा के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा है और वैसे भी आशीष मिश्रा के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो कोर्ट में सरेंडर कर दें, क्योंकि उनके खिलाफ नामजद 302 की FIR है। अब अगर आशीष मिश्रा लखीमपुर के सत्र न्यायालय में सरेंडर करते हैं तो जाहिर है कि इस मामले को लेकर बेहद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किरकिरी के सबब हो जाएगा कि जिस व्यक्ति की तलाश करने के लिए रेंज स्तर की टीमें लगाई गई हैं और वो देश का गृह राज्य मंत्री है और उसको वो पुलिस ढूंढ नहीं पाई। फिलहाल आशीष मिश्रा कहाँ है पुलिस को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। यूपी तक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है, यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।